मैं चाह रहा था शशि मेहता जी, आप भी हैं तो थोड़ा सा आप हमें म्यूल नोट के ऊपर कुछ बताएं ना, तो थोड़ा फायदा हो जाएगा हम सबका। ठीक है। हाँ, मैं अपना परिचय दे हाँ, आप ही दूं। दे दीजिए, आप ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। नहीं, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हो तो बताइए, क्योंकि शायद कुछ चीजें मुझे आपसे सीखने को मिलती है मेरे बारे नहीं में। जी सॉरी, सबसे पहले तो मेरा वीडियो ऑफ है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैमरा अवेलेबल नहीं है। मैं मेरे डेस्कटॉप से जी ऑपरेट कर रहा हूँ। और अपने बारे में मैं बताता हूँ, मेरा नाम सचिन जी मेहता है, मैं जी आनंद गुजरात से हूँ। और मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, एकेडमिकली और प्रोफेशनली, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। और कि मेरी चाहत इस पर्टिकुलर फील्ड से, न्यूमिस्मेटिक्स या नोटाफिली, जिसको पेपर मनी या तो फिर मेटल मनी से जो मेरा अफेक्शन है, उसने मुझे इसके करीब काफी लेके आया। और मुझे लगा कि मैं आईटी से थोड़ा दूर होते जा रहा हूँ और ये चीजों से करीब होता जा रहा हूँ, तो मैंने इसे ही अपना प्रोफेशन भी बना दिया। अभी मैं इसके पीछे 100% डेडिकेटेड हूँ। इसमें मैं ना सिर्फ कलेक्शन करता हूँ, बट साथ में मेरा कुछ रिसर्च वर्क भी चलता रहता है। मैं बाय एंड सेल को भी इतना ही एंजॉय करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, मैं इसके द्वारा लोगों के नेटवर्क में आता हूँ, तो लोगों के साथ मेरा संपर्क बढ़ता गया, लोगों को मैं पहचानता गया, लोग मुझे पहचानते गए, और अपने आप में ये एक अच्छा सिलसिला शुरू हो गया कि आज मुझे कोई भी चीज में कभी भी कोई सा भी हेल्प चाहिए, वो मुझे इस फील्ड में से मिल जाता है। और इक्वली मेरे को बाई सेल में भी उतना ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो बोथ वेज आई एम एंजॉइंग दिस फील्ड, एंड दिस फील्ड इज गिविंग मी लॉट ऑफ जॉय, एंड द रिसर्च वर्क ऑल्सो हैज गिवन मी लॉट ऑफ फ्रूट्स। वेरी रिसेंटली, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे बैंगलोर एग्जीबिशन जो हुआ था, आया था श्री राजेंद्र मारू जी, और उस वक्त के चीफ गेस्ट श्री किरण कुमार जी थे, तो उनके हाथों मुझे उसका अवार्ड भी मिला है। सो लॉट ऑफ अचीवमेंट्स आर देयर। मुझे काफी अच्छे अच्छे जो नोटाफिली साइड पे भी बड़े लोग हैं, उनसे अच्छा फीडबैक मिला है, जिसमें किशोर झुंझुनवाला जी हो गए, रिजवान रजाक सर का मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता है, और काफी बड़े लोगों का एनकरेजमेंट मिलता है जो मेरे को आगे की कुछ चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। ये एक थोड़ी छोटी सी थीम है, लेकिन अपने आप में एक अलग लेवल की थीम है, जिसको समझने के लिए प्रीफिक्स कलेक्शन का, या जिन्होंने पेपर मनी को थोड़ा इन डेप्थ समझा हो, भारत में जो भी ये पेपर मनी रिपब्लिक इंडिया में आई, उसको थोड़ा इन डेप्थ समझा हो, तो वो इसको शायद मेरी पीपीटी को उस वक्त इजीली ग्रिप कर पाए होंगे। लेकिन जिन्होंने पेपर मनी की अभी जस्ट शुरुआत की है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस बार के प्रेजेंटेशन में हिंदी में बता के उनके सवाल जवाब लेके, और फिर बाद में उससे रिलेटेड जो भी, यानी मुझे भी लगे कि मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ कमियां है तो उसको आगे एड्रेस करूँ, या उनके सवालों को देखते हुए मेरी बुक के अंदर भी अगर मैंने कुछ उसमें अपडेट्स करने हो तो वो अपडेट्स लेके आऊं, ताकि लोगों का उसमें और भला हो। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन एक शेयरिंग मोड में रखता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ ये चर्चा को थोड़ा आगे लेके जाता हूं। तो मेरा जो ये इस बार का प्रेजेंटेशन है, ये पेपर मनी का एक छोटा सा थीम है, जिसको हम लोग म्यूल नोट्स कह के बोलते हैं, और ये स्पेसिफिकली एक रिपब्लिक इंडिया के एरा का ही, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ये रिपब्लिक इंडिया से रिलेटेड है। ब्रिटिश इंडिया में अभी तक कोई म्यूल नोट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सो हम लोग को जो भी चीजें डिस्कस करनी है, वो रिपब्लिक इंडिया यानी आजाद भारत के जो पेपर मनी की जो स्टोरी है, उसी में आए हुए म्यूल नोट्स की स्टोरी को डिस्कस करना है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरह का है कि हम पहले समझेंगे कि म्यूल नोट किसको बोला जाता है, और ये क्यों इतना लोगों को कलेक्शन में रखना अच्छा है नहीं है, उसकी क्या अहमियत है, ये कैसे बन जाते हैं, और इसको कैसे पहचाना जाए, और ये पहचान में आए तो ये सही में म्यूल नोट है या नहीं, ये किससे हम लोग वैलिडेट करवाए या वेरीफाई करवाए, कौन कौन ऐसी बॉडी है जो इसको समझेगी कि हाँ ये सही में म्यूल नोट है। अगर आपके पास कुछ कलेक्शन में आया है, वो ऑड सी चीज है, तो उसको आप म्यूल के अंदर कैटेगराइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। और उसके बाद कौन से म्यूल्स है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो क्या होता है कि ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन एक बार आपके पास आ गई, तो सॉर्ट ऑफ जिसको कह सकते हैं कि कैटलॉग इन्फॉर्मेशन विथ इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीजें एक बार आपके पास आ गई तो आप इसको अपने कलेक्शन थीम में ऐड कर सकते हैं। आपके हाथ में कभी कोई म्यूल नोट आया तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, आप नॉर्मल नोट और म्यूल नोट के बीच के जो डिफरेंसेस है उसको समझ पाएंगे, और उसकी रेरिटी क्या है, और क्या ये कलेक्शन वर्दी है या नहीं, इसको भी आप समझना शुरू कर देंगे। तो ये चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मेरे आने वाली स्लाइड्स में, और इसके ऊपर फिर आगे कुछ जो भी आपके सवाल जवाब रहेंगे उसको भी मैं चर्चा में लूंगा। सो जनरली म्यूल जो शब्द है, इसको हिंदी में खच्चर बोला जाता है, और खच्चर किस तरह की चीज होती है कि या तो घोड़ा हो और एक गधा हो, उन दोनों को अगर ब्रीड किया जाए तो इस तरह की एक पैदाइश होती है जिसको खच्चर बोला जाता है, या जिसको म्यूल बोला जाता है।
अब यही चीज सिक्कों में और नोट के टर्म्स में भी म्यूल वर्ड को यूज किया जाता है। म्यूल वर्ड का मतलब ये रहता है कि अगर कोई चीज जिसकी ढलाई करनी है, जिसकी सिक्कों में या तो नोटों में ढलाई करनी है, उसकी काफी सारी आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो तकनीकली उसको उसके उसको तकनीकी तरह से उसको उसके ये डिजाइंस की पहले तो एक कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा कि जैसे मान लो एक सिक्का है तो सिक्के की फ्रंट साइड क्या दिखेगी, बैक साइड क्या दिखेगी, उसके डाइमेंशंस क्या रहेंगे, उसमें कौन सा मेटल यूज करना है, उसके ऊपर कौन सा साल लिखा हुआ आएगा, डिनोमिनेशन किस तरह का रहेगा, उसके ऊपर मोटिव्स क्या है, ये सारी चीजें जो है उस क्या क्या लीजेंड्स बनेंगे, उसमें मिंट मार्क कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें डिजाइन बनाते वक्त डिसाइड की जाती है। यही सारी चीजें पेपर मनी के भी बनाते वक्त उसमें ये सारी चीजें डिजाइन में डाली जाती है कि उसमें उसकी डायमेंशंस क्या रहेंगे, उसमें डिजाइंस क्या रहेगी, उसमें सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या रहेंगे, उसकी निटीग्रिटीज और उसको किस तरह से यानी सर्कुलेशन में भी अगर लिया जाए तो उसका अगर स्टेकिंग करना है, जैसे 100 नोटों की गड्डी बनती है तो गड्डी बनाने में उसकी पेपर डायमेंशंस क्या रहेंगे, ये पूरी चीजों का एनालिसिस होता है और वो एनालिसिस के बाद उसको डिजाइन कॉन्सेप्ट से आगे ली जाती है। अब डिजाइन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये क्योंकि नोट या सिक्का इसका सिर्फ एक साइड नहीं रहता, एक साइड वाली नोट्स को यूनिफेस कहा जाता था, एक साइड वाले सिक्के कम देखने को मिलते हैं, या तो फिर लाखी वगैरह भी आपने देखा होगा जिसमें एक ही टाइप की डिजाइन जो है वो दोनों साइड छप जाती है। अब इसी तरह की एक एरर ये है म्यूल, जिसमें आगे और पीछे की डिजाइन कॉन्सेप्चुअली तो रेडी हो गई है, जिन्होंने ये डिजाइन बनानी है, से फॉर एग्जाम्पल RBI ने ये अपने हाथ में जिम्मेदारी ली है, कुछ कुछ कंट्रीज की खुद की बॉडीज नहीं रहती है जो ये प्रिंटिंग और प्रेस के लिए, वो आउटसोर्स कर देती है, तो RBI ने ये चीज उन्हीं की बॉडी है SPM CIL जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्कों की और नोटों की ढलाई करनी है, तो इन्होंने चार प्रेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। भारत में चार प्रेस है आज की तारीख में, जिसमें नासिक हो गया, देवास हो गया, मैसूर हो गया और सलबोनी, ये चार प्रेस को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी हुई है, और इन चारों प्रेस में जिस तरह से नोटों की छपाई होनी है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी रखी है कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सी प्रेस से ये नोट्स बन के निकली हुई है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो इनसेट लेटर जो रहता है वो आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसका ओरिजिन कौन सी प्रेस से है। एक बार आपको ये नोट कभी हाथ में ले तो उसमें आपको जो भी उसका इनसेट लेटर है वो आप देखना और उससे आप मैप करने की कोशिश करना। मैं आपको इनसेट लेटर का भी एक टेबल शेयर करूंगा बाद में, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि ये इनसेट लेटर्स, अगर मान लो कि विदाउट एनी इनसेट लेटर हो तो उसका ओरिजिन मैसूर है, अगर इनसेट लेटर ई है तो उसका ओरिजिन देवास प्रेस है, अगर इनसेट लेटर आर है तो उसका ओरिजिन सलबोनी प्रेस है। इस तरह से आप प्रेस के प्रेस तक जा सकते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से छप के आई हुई नोट है, ये लेवल तक का इंफॉर्मेशन आप उसमें से डिराइव कर सकते हैं। अभी नोट का ओरिजिन तो आपको पता चल गया, लेकिन ये नोट्स जब डिजाइन होती है तब RBI ने इसकी डिजाइन चारों प्रेस से एक जैसी बन के आए, सिर्फ इनसेट लेटर्स और सीरियल नंबर्स में जिस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किए हो, प्रीफिक्सेस में जिस तरह से क्लासिफिकेशन किए हो, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन चेंज रहनी चाहिए, बाकी सब इन्फॉर्मेशन सेम रहनी चाहिए। तो चारों प्रेस को इसकी फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट की डिजाइन RBI पास करके देती है। अब वो फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट जो रहती है वो नोटों की ओरिजिनल डिजाइन जो है, जो उनके लेआउट जिस तरह से रहने वाले हैं, उसकी डिजाइन की एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, वो प्लेट्स चारों प्रेस के पास चली जाती है, और RBI ने जिस प्रेस को जितने नोट्स छापने के ऑर्डर दिए रहते हैं कि आपको से मान लो कि 10 रुपए के नोट है, ये 2019 में नासिक प्रेस में से इतनी क्वांटिटी के नोट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, और लाइकवाइज से सलबोनी प्रेस में से उन्होंने पैरेलल उसी साल में कितने नोट्स उनकी तरफ से आने चाहिए, तो ये इकोनॉमी में किस तरह से उनकी मूवमेंट्स है उसके हिसाब से ऑर्डर्स जाते हैं और इन नोटों की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है। अब ये जो फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट RBI की तरफ से इनके पास जो जाते हैं और वो डिजाइन को कॉन्सेप्चुलाइज करके उनके मशीन्स में फिट करके उनकी एनग्रेविंग प्लेट्स जो रहती है ये फ्रंट प्लेट बैक प्लेट का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें ओरिजिनल प्लेट जिस तरह की दी गई हो और उन्होंने जो प्लेट यूज की हो उसकी जगह पे उसमें अगर कुछ तब्दीली आ जाए, उसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से इस तरह की म्यूल नोट्स प्रोड्यूस हो जाती है। जनरली इसमें किस तरह की एरर्स होने के चांसेस है, तो से फॉर एग्जांपल फ्रंट प्लेट जो भेजी गई है उसमें गांधी जी के पोर्ट्रेट बना हुआ है, आगे डिनोमिनेशन की सारे फीचर्स बने हुए हैं, सब कुछ है, सिग्नेचर उस पर्टिकुलर प्लेट में होनी चाहिए थी। मान लो जैसे 2014 की एक एग्जांपल की बात करें जहां से म्यूल नोट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई,
तो उस वक्त 2014 में आरबीआई के गवर्नर थे श्री रघुराम राजन जी, और उन्होंने इस तरह की फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट के जो नए डिजाइन अप्रूव हुए थे वो उन्होंने आरबीआई की ये रघुराम राजन जी की सिग्नेचर के साथ उन्होंने चारों प्रेस को भेज दिए। देवास प्रेस जो कि मध्य प्रदेश में है, उन्होंने अपनी प्रिंटिंग में कुछ गलतियों के हिसाब से सुब्बाराव के ही नोट्स को कंटिन्यू किया प्रिंटिंग करना, जबकि गवर्नर बन चुके थे श्री रघुराम राजन। तो इस केस में क्या हुआ कि फ्रंट प्लेट की जो डिजाइन थी वहां पे उन्होंने एक भूल कर दी, वो उन्होंने चेंज करके करनी चाहिए थी रघुराम राजन जी की, जबकि तीन डिनोमिनेशन ऐसे बन गए जिसमें 20 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया और 500 रुपये हो गया। ये तीनों नोट्स में उन्होंने फ्रंट प्लेट में सिग्नेचर चेंज करना या जो उसकी फ्रंट प्लेट यूज करनी थी वो फ्रंट प्लेट चेंज करना भूल गए, और उन्होंने पीछे का साल तो बदल दिया जिसमें बैक प्लेट में 2014 की साल वाला प्लेट यूज करना था, वो प्लेट तो उन्होंने यूज कर ली लेकिन फ्रंट साइड पे सुब्बाराव की सिग्नेचर चलती रही। सुब्बाराव जी का कार्यकाल जो था वो मेरे ख्याल से, या जो आरबीआई इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, अगस्त 2013 में खत्म हो चुका था। सितंबर 2013 से रघुराम राजन ने उनकी पदवी, जो आरबीआई की गवर्नर की पदवी है, वो संभाल ली थी। जब आरबीआई की गवर्नर की पोजीशन में चेंज आता है तो डेफिनेटली उनकी भी एक प्रोसेस रहती है, अप्रूवल प्रोसेस रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी अप्रूवल और इंस्ट्रक्शंस जाते हैं जिसके हिसाब से उनकी सिग्नेचर्स को फिर आगे प्रोपोगेट किया जाता है नए प्रिंटिंग होने वाले नोट्स के ऊपर। इसकी एक अपनी प्रोसेस साइकिल रहती है और उसकी वजह से कोई भी नोट गवर्नर चेंज होने के बाद तुरंत से छपने शुरू हो जाए वैसा नहीं होता। ये डिजाइन कॉन्सेप्ट और उसमें लाने में टेक्निकल और बाकी सब चीजों की भी इंफॉर्मेशन अपडेट करने में ये अपने आप में थोड़ा एक समय ले लेता है। तो जनरली जिस किसी गवर्नर का अगर उनको कोई पदवी दी गई हो और ये चेंजेस लगभग ईयर एंड के आजू बाजू में हो रहे हो, तो कई बार ऐसा स्कोप बनता है कि ईयर एंड के आजू बाजू में उनकी सिग्नेचर की छपी हुई नोट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। एक ऐसा क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिसमें एस भूतलिंगम की जो नोट आई थी एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, 1964 की जो नोट जो महंगी कहलाती है, उसका भी रीजन यही है कि उनको फाइनेंस सेक्रेटरी की पोजीशन पे नवंबर में लाया गया और नोट्स छापनी शुरू हुई उनके सिग्नेचर के शायद से दिसंबर 15 के आजू बाजू में, और 15 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में 1964 की डेट के साथ जो छपी हुई नोट्स थी उसकी संख्या बहुत कम बनी, और उन संख्या के साथ वो छपाई और उसके बाद जिस तरह से रिलीज हुई, आज मार्केट में उसकी यूएनसी नोट लेने जाओ तो शायद से 11-12 हज़ार रुपये के ऊपर की एक नोट बन जाती है। तो वो क्वांटिटी काफी कम छपी थी और उसका ये जिस तरह से ये चेंजेस आते हैं उस दरमियान में ये लास्ट मोमेंट पे दिए हुए चेंजेस कई बार आरबीआई की प्रेस के पास इतने जल्दी इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी गलतियां रह जाती है, और ऐसी सब गलतियों के दरमियान इस तरह की कुछ म्यूल नोट्स के कॉन्सेप्ट्स भी बाहर आए, और जिसपे मैंने एक उदाहरण दिया जहां पे सिग्नेचर मिसमैच हो जा रही है फ्रंट प्लेट पे। तो इसमें जो मैं ये चित्रों से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि फ्रंट प्लेट सपोज घोड़ा था, बैक प्लेट शायद से गधा था, लेकिन जो फाइनल आउटपुट आया वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के कुछ इस तरह से आया, जबकि आरबीआई ने कुछ सोचा कि दोनों साइड पे घोड़े छपेंगे या दोनों साइड पे गधे छपेंगे, उसकी जगह पे म्यूल बन के आया। तो म्यूल तकनीकी भाषा में एक सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड, या जो बोल सकते हैं दो डिफरेंट स्पीसीज की बनी हुई चीजों को, ये जो कोई सोची हुई या पहले से प्री डिसाइडेड चीजें नहीं थी लेकिन कुछ अलग सी चीज जनरेट होके आई, उस चीजों को म्यूल बोला जाता है। और ये पेपर मनी और मेटल करेंसी दोनों में एग्जिस्ट करता है। मेटल करेंसी में ये टर्म काफी पॉपुलर है जबकि पेपर करेंसी में इसका पॉपुलैरिटी शायद से 2014 के बाद से ही पॉपुलर होना शुरू हुआ, जब ये डी सुब्बाराव की जो ये रिटायरमेंट और रघुराम जी का जो उनका पदवी धारण करना, और उस तरह उस टाइम पे ये देवास प्रेस में हुई बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसको हम थोड़ा और एनालाइज करेंगे। वो एक पर्टिकुलर केस के बाद से ये म्यूल नोट का कॉन्सेप्ट थोड़ा और पॉपुलर हुआ और लोगों ने इस थीम पे अपना कलेक्शन करना शुरू किया। सो हम लोगों ने थोड़ा ये म्यूल नोट की एक एग्जाम्पल को समझा था, हम थोड़ा उसका और विस्तार से जाते हैं कि जैसे मैंने उसको बताया कि फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट में ओरिजिनल डिजाइन से कुछ डिफरेंस आ जाए तो म्यूल नोट्स जनरेट होती है, और ये मिसमैच जो है वो कभी कभी थ्रू आउट द सीरीज नहीं रहती या थ्रू आउट द प्रीफिक्स नहीं रहती, कभी कभी ये पार्शली भी प्रिंट रहती है, उसकी वजह से ये कभी कभी इसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है।
और जब क्वांटिटी कम हो तो कलेक्टर को वो हमेशा चैलेंजिंग रहेगी, और उसकी वजह से इसकी रेरिटी और इसके प्राइस एप्रिसिएशन अपने आप में ज्यादा हो जाते हैं। उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन या उसकी जिसको कह सकते हैं कि कलेक्शन वैल्यू है, ये दोनों थोड़े स्पेशल बन जाते हैं, वैल्यूएबल बन जाते हैं। आरबीआई इन म्यूल नोट्स को एरर नोट की तरह ट्रीट नहीं करता, और क्योंकि आरबीआई इसे, यानी आरबीआई की परिभाषा में, नोट की परिभाषा में म्यूल जैसा कोई टर्म नहीं है, ये एक न्यूमिस्मेटिक या नोटाफिली टर्म है जो हम लोग हमारे समझ के लिए, हमारे रेफरेंस के लिए इसको यूज करते हैं। सो इसको मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड 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 बोलूंगा, ये कोई यानी रियल वर्ल्ड नहीं है या रियल आरबीआई डिक्लेयर्ड टर्म नहीं है, इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड विच बी पीपल आर यूजिंग, हम लोग अपने सहूलियत के लिए यूज करते हैं, जिसको हम म्यूल बोलते हैं। आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई म्यूल जैसा शब्द नहीं है, वो इनको नॉर्मल नोट ही ट्रीट करता है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए, हमने हमारी सहूलियत के लिए इसको म्यूल के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है, और आरबीआई इसको लीगल टेंडर ही मानता है। उन्होंने जब ऐसी कोई गलतियां हुई तो उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ कंसल्ट किया, और उस कंसल्टिंग के बाद नतीजा ये आया कि उन्होंने उसको वैलिड किया कि नहीं, आप इसको सर्कुलेशन में रख सकते हैं, इसको पुल बैक करने की या इसको श्रेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, और ये लीगल टेंडर ही बना रहेगा। तो ऐसी नोट सर्कुलेशन में आती है, और इनको एरर नोट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इनके लिए रिप्लेसमेंट नोट्स नहीं बनी हुई है। सो ये एरर की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, जिसको, यानी जिसकी टेक्निकलिटीज मैंने आपको समझाई, इसमें फ्रंट एंड बैक प्लेट के डिफरेंसेस की वजह से एक एरर जनरेट होती है। ये एक दो नोट तक सीमित नहीं है, या छोटी सी बैच के लिए सीमित नहीं है, ये एक बड़े बैच पे अप्लाई हो जाती है, और उस बड़े बैच की वजह से क्वांटिटी रीजनेबली बड़ी हो जाती है। हो सकता है कभी कभी एंटायर प्रीफिक्स में ये रिप्लीकेट हुई हो, कभी कभी ऐसे भी केसेस बने हैं जहां पे एंटायर इशू में म्यूल बन चुके हैं, जैसे 20 रुपए में एंटायर इशू जो है डी सुब्बा राव का, वो 2014 वाला जो था देवास प्रेस का, जिसको बुक कोड के हिसाब से देखा जाए तो E45 कोड दिया हुआ है, वो कंप्लीट इशू है, वो अपने आप में म्यूल बन गया है। दोस्तों, यह थी वीडियो रिकॉर्डिंग डायमंड मेंबर्स के साथ की गई मीटिंग की। इस रिकॉर्डिंग में बहुत ही विस्तार से सरल शब्दों में शशीन मेहता जी ने समझाया कि म्यूल नोट किसे कहते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो का बचा हुआ भाग हम आपको दिखाएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख पाएं इसका अगला भाग बगैर किसी परेशानी के। बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।